एक तरफ रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मिलकर यूपी से भाजपा की सत्ता को उखाड़ फेंकने का दम भर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी रालोद में भगदड़ मची हुई है। रालोद की मेरठ के पूर्व जिला अध्यक्ष राहुल देव आज भाजपा में शामिल हुए। राहुल देव ने कहा कि सपा के साथ गठबंधन के बाद जो हुआ उससे रालोद का कोर वोटर नाराज है। रालोद की सीटों में सपा ने अपने उम्मीदवार थोपे। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी का माहौल बना था लेकिन अब नाराजगी। मेरठ से आरएलडी के पूर्व जिलाध्यक्ष राहुल देव ने भी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, इस समय हमारे साथ मौजूद है। राहुल जी, तो सपा आरएलडी का जो गठबंधन है, कहा जा रहा है कि वहाँ बड़ा काम करने वाला है, पार्टी कहती है, आपने वहाँ से छोड़कर भाजपा का दामन थामा? नहीं नहीं, देखो जो राष्ट्रीय लोकदल का कोर वोटर है वो उसमें नाराज हुआ है। तो पहले तो ये था कि भाई समाजवादी से भी ज्यादा खुश हमारे लोग नहीं थे, फिर भी चलो जैन जी ने गठबंधन किया, सब तैयार हो गए, सब ने सोच के कि भाई ठीक ठाक सीट मिलेंगी। तो सीटों में भी जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट थोपे हैं, और जैसे मेरठ जैसे जिले में कोई राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता नहीं लड़ रहा, तो इसकी देखो नाराजगी उसमें काफ़ी कुछ नाराजगी है। जैन जी के सब साथ थे पर गठबंधन से कहीं ना कहीं अब नाराजगी हुई है कि आपने मार्ट सीट पर देखा हो कि सिंबल दिया वापस हुआ, तो ऐसी काफ़ी सीटों पर हुआ है कि उनके कैंडिडेट हमारे सिंबलों पे लड़ रहे हैं, हमारे लोग नहीं लड़ पा रहे, तो उसकी नाराजगी उसमें सब में है। वही भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं ने एबीपी गंगा से खास बातचीत की, जिसमें लखीमपुर खीरी से दोहरा से विधायक बाला बस्ती भी थे, जो इसी महीने भाजपा छोड़कर सपा में गए और आज फिर भाजपा में आ गए। हम कुछ विशिष्ट अपने साथियों के खड़यंत्र के तहत गए थे। हम जो है जन्म से, संस्कार से, पहचान से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पूरे जीवन भर परिवार सहित काम करते थे। आपने कहा था कि भाजपा में शोषितों का ध्यान नहीं दिया जा रहा, अखिलेश यादव की तारीफ की थी आपने, अचानक हृदय परिवर्तन। वो हमारे साथियों का एक एजेंडा था, उसी के तहत हम भी कुछ कहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र का नेतृत्व करती है बहुत अच्छे ढंग से। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के नाथ संप्रदाय के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज जिस प्रकार से प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं, नाना प्रकार के कठिनाइयों से लड़ते हुए प्रदेश को उन्होंने आगे बढ़ाया है। हम सबका यह कार्य है कि भारतीय जनता पार्टी में जुड़ करके पार्टी को आगे बढ़ाएं।